चंद्रपुर जिले के गढ़चांदूर नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस राष्ट्रवादी का विजय हुआ। इस जीत पर जल्लोष मनाया गया। चंद्रपुर जिले के औद्योगिक नगरी गढ़चांदूर नगर पालिका के दूसरे सार्वत्रिक चुनाव में सीधे नगराध्यक्ष पद पर कांग्रेस की सविता टेकाम इनका विजय हुआ है। यह चुनाव कांग्रेस राष्ट्रवादी ने संयुक्त रूप से लड़ा तो शिवसेना और भाजपा स्वतंत्र तरीके से लड़े थे। गुरुवार इस नगर पालिका के लिए मतदान संपन्न हुआ। इसमें करीब 55% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया था। इस नगर पालिका में कुल 17 नगर सेवक पद के लिए मतदान हुआ। नगराध्यक्ष पद अनुसूचित जमाती की महिलाओं के लिए राखी था। चुनाव की मतगणना नगर पालिका सभागृह में शुरू हुई, जिसमें शुरुआत में कांग्रेस राष्ट्रवादी ने नतीजे में आघाड़ी ली थी तो सीधे नगराध्यक्ष पद के उम्मीदवार सविता टेकाम यह चुनाव में नतीजे में आगे रहे। उन्होंने आखिर भाजपा के नगराध्यक्ष पद के उम्मीदवार रंजना मडावी इनका 1500 मत से पराभव करते विजय संपादन किया तो दूसरी ओर नगर सेवक पद का निकाल कांग्रेस 5, शिवसेना 5, राष्ट्रवादी कांग्रेस 4, भाजपा 2 और किसान संगठना 1 ऐसा निकाल जाहिर हुआ है। राज्य में महाविकास आघाड़ी के सरकार स्थापन होने बाद यह चुनाव हुआ था, लेकिन इसमें शिवसेना ने स्वतंत्र रूप से लड़कर जीत हासिल की है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने स्वबल पर सत्ता स्थापन की होगी, फिर भी महाविकास आघाड़ी का घटक पक्ष शिवसेना उन्हें समर्थन देगा ऐसी संभावना है। इस नतीजे के बाद गढ़चांदूर शहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जल्लोष किया, पटाखों की आतिशबाजी की गई। नगराध्यक्ष पद के उम्मीदवार सविता टेकाम इनका अभिनंदन किया गया। कांग्रेस राष्ट्रवादी ने यह शहर सुंदर, हरा और विकसित करने के लिए शब्द दिया और वह पूर्ण करेंगे ऐसा विश्वास नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष टेकाम ने व्यक्त किया तो कांग्रेस नेताओं ने यह विजय जनता का विजय होकर उनका विश्वास सार्थ ठहराएंगे ऐसी भावना व्यक्त की है। इस समय नवनिर्वाचित अध्यक्ष गढ़चांदूर नगर परिषद सविता टेकाम ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। साथ ही कांग्रेस चुनाव प्रभारी अरुण धोटे ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस पक्षाकडून मी नगराध्यक्ष पदाकरिता निवडून आले, कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस निवडून आम्ही गडचांदूरचा विकास करील। सरांचे आभार आहे। कार्यकर्ते निवडणुकीमध्ये कांग्रेस राष्ट्रवादीचे पॅनल पूर्ण निवडून आले आहे। आम्ही बहुमतामध्ये सत्तेत आलो, आमचे नगराध्यक्ष भरपूर मताने निवडून आले आणि आम्ही ज्या विकासाच्या विकासाबाबतीत ज्या घोषणा केल्या गडचांदूर शहर सुंदर, स्वच्छ आणि हिरव करण्याच्या आणि गडचांदूर शहराला चांगलं प्रशासन देण्याच्या, त्या दृष्टीने कांग्रेस आणि राष्ट्रवादी पक्ष गडचांदूर शहरामध्ये गडचांदूर शहराच्या विकासासाठी प्रयत्न करेल। हा विजय कांग्रेस पक्षाच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचा विजय आहे। कृपाजीभाऊ धोटे यांच्या नेतृत्वाखाली, बळवंत दानापूर खासदार यांच्या नेतृत्वाखाली कांग्रेस पक्षाने विजय संपादन केला। सर्व कार्यकर्त्यांचे आम्ही आभार मानतो।